वेलकम टू इजी बिजी किचन, आपके अपने ही किचन में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मोमोज। मोमोज बनाएंगे रोस्टेड तंदूरी जिसे बोलते हैं। अब देखिए उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो हम उसमें कैबेज एक बाउल में उठा रहे हैं। कैबेज, शिमला मिर्च, अनियन सब बारीक कटी हुई है और कैरेट, जिंजर गार्लिक इसको भी हमने अच्छे से महीन बारीक कट कर लिया है। अब जिस हिसाब से आपको रखना हो पेस्ट उस हिसाब से आप रखिए जिंजर गार्लिक का। देखिए इन सारी सब्जियों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। कैप्सिकम बारीक कटी कटी, कैरेट, अनियन, ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक एंड कैबेज। इसमें अब हम लोग मिक्स करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट इसलिए ऐड कर रहे हैं कि जितना पानी है वेजीज में वो सारा निकल जाए। और इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। हालांकि सब्जियां अपने आप ही पानी छोड़ती हैं, लेकिन सॉल्ट डालने से पूरा ही ये अच्छे से पानी इसका निकल जाएगा। अब हम लोग इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखते हैं, तब तक हम डो लगा लेते हैं मोमोज का। चलिए मोमोज का हम लोग डो लगा रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी मैदा। आप कम ज़्यादा अपनी क्वांटिटी के हिसाब से भी इसमें कम ज़्यादा कर सकते हो। इसमें हम लोग ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्ट, 1 टेबल। इसमें हल्का सा इसमें पहले होल करेंगे। होल करने के बाद इसमें थोड़ा ऐड करेंगे वेजिटेबल ऑयल। इसको मिक्स करेंगे वेजिटेबल ऑयल के साथ और इसको आटे की तरह अच्छा सा एक डो बना लेंगे पानी ऐड करके। देखिए डो हमने लगा लिया, एक बढ़िया सा डो लगा दिया, रेडी कर दिया। अब इसको हम लोग 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, तब तक हम लोग वेजिटेबल को देखते हैं। चलिए आइए, जब तक वो हमारा डो और वेजीज हमारी रेस्ट पर हैं तब तक हम लोग मोमो की चटनी बना लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए गार्लिक। गार्लिक हमने 10 से 15 क्लोव लिए हैं कलियां। मिर्च मुझे चाहिए, मिर्च को हमने अच्छे से भिगा लिया था पानी में, खुले पानी में। एंड टमाटर हमने 2 ले लिए हैं, चॉप्स कट लिए हैं। वेजिटेबल ऑयल, सॉल्ट एंड विनेगर। चलिए इसको ऐड करते हैं मिक्सी में। इन तीनों को हमने मिक्सी में डाल दिया और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं सॉल्ट, हल्का सा विनेगर 1 टेबल स्पून एंड 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अब हम लोग इसको मिक्सी में पहले पीस लेते हैं और इसकी सॉस रेडी कर लेते हैं मोमो की। देखिए हमारे कितना बढ़िया कलर आया है मोमोज की चटनी का और अच्छे से पिस भी गई है। इसको हम सर्विंग के लिए निकालते हैं किसी कटोरी में और जो हमारा डो है उसको हम लोग छोटी छोटी गोलियां बनाकर बेलते हैं। तब देखिए हमारी वेजीज ने अच्छे से पानी छोड़ दिया है, इसको हम लोग स्क्विच करेंगे। हमने एक बाउल ले लिया खाली, इसके ऊपर स्ट्रेनर रखेंगे छन्नी, उसके ऊपर रखेंगे हम लोग जो पनीर और ये घी भी निकालने वाली जाली। इसमें हम लोग ये सारी वेजीज को डाल देंगे और इसका पानी अच्छे से निचोड़ लेंगे इसकी सहायता से। देखिए हमने वेजीज को अच्छे से स्क्विच कर दिया, निचोड़ दिया और बहुत ही अच्छे से हमारा इसका पानी निकल गया है। अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने निचोड़ दिया तो इसमें पूरा सॉल्ट का टेक्सचर पूरा निकल गया। इसमें हम लोग हल्का सा फिर से ऐड करेंगे सॉल्ट और ब्लैक पेपर। हल्का सा इसमें कलरिंग के लिए सोया सॉस, चिल्ली सॉस हल्का सा एंड विनेगर। अब इसको हम लोग कर देंगे अच्छे से मिक्स। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको हम साइड में रखते हैं और ये हमारा डो
बहुत अच्छे से परफेक्ट हो गया है। अब हम लोग इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे और बेलेंगे। रोटियां बेल ली और ये मिश्रण भी तैयार कर लिया। अब हम लोग इसको कॉर्नर से पूरे पूरे किनारे किनारे से इसको वाटर से ग्रीस कर लेंगे, फिलिंग कर लेंगे अच्छे से, फिलिंग अच्छे से कर लेंगे। और इसको यहाँ से पकड़ के यूं ऐसे टर्न देंगे, ऐसे ये हम पूरी देते जाएंगे। ये देखिए आधा हम किए हैं और आधा इसको ऊपर उठा के इसको यूं कर देंगे ऐसी शेप। एक शेप हम ये देंगे, इसको भी हमने कॉर्नर से पूरा किनारे से अच्छे से वाटर से ग्रीसिंग कर लिया और इसमें भी भर देंगे अच्छे से फिलिंग। फिलिंग मुझे अच्छे से ही भरनी है, लूज नहीं रखना है। और इसको देंगे हम लोग ट्रायंगल की शेप। एक शेप हमने ऐसे कर दिया, एक को ऐसे करेंगे और ये जो पार्ट है हमारा इसको ऐसे यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, इसको इक्वली रखेंगे। देखिए अगेन वाटर से ग्रीसिंग करते हैं और फीलिंग भरते हैं और इसको जो नॉर्मली हम लोग का राउंड वाला होता है इसको वैसे ही खींचेंगे। इसको हमने ऐसे टच कर दिया, इसे घुमाया। शेप आप अपने हिसाब से कोई भी दे सकते हो और इसी को ही ऐसे हम लोग घुमा देंगे। आप अगर इडली मेकर सामने से न हो तब भी आप बना सकते हो। हम गैस ऑन करते हैं और एक रख लिए कढ़ाई, इसमें हमने पानी डाल दिया है और ये छन्नी रख दी है ऊपर से, इसको करेंगे ग्रीसिंग। और इस पे रख देंगे हम लोग मोमोज। 5 मिनट हाई फ्लेम पे रखेंगे, 5 मिनट लो फ्लेम पे रखेंगे और स्टीम होने के लिए रख देंगे। देखिए हमने सारे मोमोज रख दिए स्टीम होने के लिए, अब इसको कर देंगे कवर्ड। और 5 से 10 मिनट के लिए स्टीम होने दें। जब तक हमारा मोमो स्टीम हो रहा है तब तक हम लोग इसके रोस्टेड की तैयारी कर लेते हैं। ये हमने हंग कर लिया है यहाँ पर और इसी में ही पहले हम इसको बीट कर लेते हैं। चलिए हमने इसको बीट कर दिया और अब इसमें हम लोग ये जो मोमो की चटनी हमने बनाई थी ये करेंगे इसमें मिक्स। देखिए कोई कलर नहीं डाला है, कोई कुछ नहीं, इतना सुंदर कलर इसमें आया है ऑलरेडी। अब ये निकाल लेते हैं। इसमें हल्का सा हम लोग कश्मीरी मिर्च और सॉल्ट ऐड कर देते हैं और निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए हमने इसमें कर्ड में मोमो की चटनी ऐड कर दी और इसमें करेंगे हल्का सा कश्मीरी मिर्च ऐड। इसमें ऐड कर देंगे कश्मीरी मिर्च, हल्की सी कश्मीरी मिर्च इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास उसमें गाढ़ी सी वो पड़ी हुई है मोमो की चटनी, ऑलरेडी उसमें चिली है एंड सॉल्ट हल्का सा बस। इसको प्लेट में निकाल देंगे।
देखिए मोमोज हमारे ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं, इसका मतलब ये स्टीम हो चुके हैं। अब हम इसको उतारेंगे और दूसरे स्टीम होने के लिए रखेंगे। स्टीम हो गए, एक एक करके हमने सारे इस प्लेट में निकाल देंगे। फिर से करते हैं फ्लेम ऑन, और इस पे ये हमने लिया है कच्चा कोयला, क्योंकि रोस्टेड बनाएंगे तो इसको देखिए हम कैसे इसमें कर रहे हैं। ये हमने कच्चा कोयला जलने के लिए रख दिया, तब तक हम उसको मैरिनेट करेंगे। चलिए एक इस मोमोज को हम लोग कर लेते हैं इसकी कोटिंग। अगर आपको नीट लगे तो इसके ऊपर आप लोग हल्का सा मैदा छिड़क सकते हो, लेकिन मैं यहाँ नहीं छिड़कूंगी। और इसको एक किसी बाउल में या जो भी आपके पास जैसे कन्वेंस हो उस हिसाब से आप इसमें रख दीजिए। इसी तरीके से सारे कर लूंगी। ये हमने स्टीम किए हैं, ये स्टीम वाले मोमो आप इतने तक की रखेंगे, स्टीम वाले आप तुरंत रेडी, अगर आपको स्टीम वाले खाने हैं तो आप ऐसे ही खा सकते हो। ये हम रोस्टेड बना रहे हैं तो ये रोस्टेड का आगे वाला प्रोसेस है। ये हमने सारे ही देखिए रख दिए। अच्छा कोयला हमारा अच्छी तरीके से बर्न हो चुका है। अब हम लोग इसको जो जहाँ पर फॉइल पेपर रखी थी बस वहाँ पर इस पर ये रख देंगे, और इसके ऊपर हल्का सा हम लोग डाल देंगे कुकिंग ऑयल और इसको कर देंगे बंद। ये हम 15 मिनट तक की रखेंगे। अब देखिए इसको ओपन करके देखते हैं, जो हम लोगों ने कोयला जला के रखा था देखिए कितने अच्छे से हमारे एक कोयले की उसमें बहुत भीनी भीनी खुशबू आ रही है जैसे रोस्टेड की। अब हम लोग फ्लेम ऑन करेंगे और छोटे वाले फ्लेम पर रखिए, और इस पे रख दीजिए एक जाली। जाली के ऊपर हम लोग एक चपाती जिस पे हम लोग सेकते हैं वो रैक रख देंगे। फ्लेम को कर लेंगे हल्की सी लो। अब इसमें हम लोग ये जो मोमोज हम लोगों ने डीप किए थे ये एक एक करके इसमें रोस्ट करने के लिए रखेंगे। केयरफुली रखें आप। आज पे हमने ये सारे रख दिए और इसको कर देंगे कवर्ड ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। एक तरफ से हमारा हल्का हल्का सिक चुका है, इसको से उठा के देखेंगे और फिर ऐसे पलटेंगे। पलटने से पहले इसको हम लोग हल्की हल्की सी ग्रीसिंग कर लेंगे सब में। अब इसको ये देखिए हमने सारे उस पे जाली पे हमने तंदूर कर लिए। अगर आपके पास जाली का अवेलेबल नहीं है तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो। थोड़ा हल्का सा मैदा या अरारोट छिड़क के इसको आप लोग डीप फ्राई कर सकते हो। ये गर्मा गर्म आपके लिए तैयार है। इसके ऊपर हम लोग हल्का सा करेंगे स्प्रिंकल चाट मसाला एंड फ्रेश कोरिएंडर। लीजिए ये बिल्कुल आपके लिए वीडियो हमने तैयार करके बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर आप ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। फीडबैक में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। देखिए हमने स्टीम मोमो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इस तरीके से मुझे ट्रांसपेरेंट होने हैं। इसी के बाद मुझे मैरिनेट करना था और उसके बाद मैंने तंदूर किया है, इसको रोस्ट किया है। इसकी जब आप डीप फ्राई भी कर सकते हो और आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हो स्टीम मोमो।